मैं स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। ये है मेरठ साउथ आरआरटीएस का स्टेशन जो कि ऑपरेशनल हो चुका है आम जनता के बीच में। दोस्तों इस पर रैपिड रेल दौड़ने लगी, आम जनता को आना जाना अब करना स्टार्ट हो चुका है। आज हम चलते हैं मेरठ साउथ के स्टेशन से और दिखाएंगे चल के आप सभी को पूरा रूट, और यहाँ से चलते हुए आप लोगों को पहुँचाएंगे शताब्दी नगर आरआरटीएस के स्टेशन तक का व्यू देखेंगे। इसमें दिखाएंगे कि क्या क्या वर्क अभी चल रहा है इस रूट का। और आप सभी को एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि मेरठ साउथ से लेकर और पूरा ही मेरठ ख़त्म हो जाने के बाद में कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, जिसमें कि 3 स्टेशन अंडरग्राउंड है मेरठ के अंदर दोस्तों। बाकी 1 स्टेशन दोस्तों आनंद विहार में है, तो 4 स्टेशन अंडरग्राउंड है इस आरआरटीएस के। 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों ये, दिल्ली के सराय काले खां से यानी कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके एंड हो जाता है दोस्तों। ये 30,274 करोड़ की लागत से ये इस रूट को बनाया जा रहा है। और आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। अब जो भी वर्क बचा हुआ है दोस्तों वो बचा हुआ है उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। दोस्तों मेरठ का बहुत पुराना शहर है दोस्तों, और ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जिसको आरआरटीएस की लाइन क्रॉस कर रही है दोस्तों। यहाँ से चलेंगे, इस पर सारा काम बिल्कुल कंप्लीट है दोस्तों। आप सभी को एक चीज़ और बता दो कि इस पर ट्रैक स्लैब डालने का वर्क चल रहा है तेज़ी के साथ में। इलेक्ट्रिक सिटी के खंभे लग चुके हैं, उनके ऊपर OHE वायर भी लग चुकी है दोस्तों। तो आप सभी को आप बता दो कि ये इधर का काम कंप्लीट सही है, मतलब कि मेरठ साउथ को क्रॉस करने के बाद में। अब यहाँ से देखो ये मेरठ का बाईपास जा रहा है बिल्कुल सीधा सीधा मुजफ्फरनगर होते हुए, ये सीधा निकल जाएगा हरिद्वार के लिए। हम हो जाएंगे इस अंडरपास के अंदर दोस्तों, जो कि मेरठ शहर के अंदर से ये जा रही है दोस्तों रैपिड रेल। तो वही आप लोगों को दिखाएंगे चल के, बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। चलते हैं आगे और दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही अपडेट देखते रहो दोस्तों। देखो ये है ROB किसकी, रेलवे लाइन की ROB, इसको क्रॉस करने के बाद में ये लाइन जा रही है दोस्तों आरआरटीएस की, जिस पर कि देख सकते हो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। इसमें साइड की देखो रेलिंग भी लग चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी के खंभे और उनके ऊपर OHE लगने के बाद में वायर का भी काम कर दिया जा चुका है। इस पर ट्रैक स्लैब डाले जा रहे हैं और जो स्टेशन है दोस्तों उन पर क्या टीन सेट का जो स्ट्रक्चर है वो लगाया जा रहा है, फिर उसके बाद में टीन का जो सेट है वो डाला जाएगा। तो यही काम चल रहा है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दिखाते हैं चल के आप सभी को, बने रहो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर देखने के लिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सभी को ऐसे ही अपडेट देखने के लिए मिलते रहेंगे केपी संत के चैनल पर। जोरों शोरों से काम चल रहा है मेरठ के अंदर दोस्तों अभी, क्योंकि ये सन 2025 में इनको ऑपरेशनल करना है पूरे रूट को। और आप सभी को बता दूँ 3-4 महीने का ही वक्त है, तो ये 3 अप्रैल तक ये ऑपरेशनल कर देंगे 2025 में। तो ये आ चुका है देखो प्रतापपुर आरआरटीएस का स्टेशन, जिसपे कि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी दोस्तों। 3-4 दिन पहले मेरठ में बारिश हुई है बहुत तगड़ी वाली, तो देखो सुबह का ही नज़ारा है जब मैं निकला था यहाँ पर, तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखो टीन साइड का स्ट्रक्चर लगाया जा रहा है दोस्तों, और साइड का ये एंट्री एग्जिट पॉइंट को भी बनाया जा रहा है, दोनों साइड के एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है। ये एक्सीलेटर आ चुके हैं जो कि कॉन्कोर्स लेवल से प्लेटफॉर्म लेवल पे लगाए जाएंगे। तो यही काम चल रहा है, बढ़ते हैं आगे, आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को कि आगे दौरली वाले स्टेशन पे क्या काम चल रहा है दोस्तों।
लोकेशन जिस पे कि मेरठ मेट्रो ही रुकेगी और इस पे टीन सेट का स्ट्रक्चर लगाने का काम चल रहा है। अभी चल रहा है दोस्तों, एक साइड का एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का भी बनेगा, अभी जगह नहीं मिली है तो इस पे यही काम चल रहा है दोस्तों। और फिनिशिंग का काम चल रहा है, पत्थर लगाने का काम चल रहा है और कैमरे वैमरे ये लगाए जा रहे हैं, तो अभी काफ़ी सारा काम है दोस्तों करने के लिए। तो तेज़ी के साथ में चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क, जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा और आप लोगों को इसका ऊपर का भी अपडेट दिखाने की और बताने की मैं कोशिश करूँगा। लगा पड़ा हूँ इस काम में और आप दोस्तों, ये आ चुका है शताब्दी नगर RRTS का स्टेशन, जिस पर कि काम चल रहा है अभी रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है उसे लगाने का काम चल रहा है जोरों शोरों से, उसके बाद में इस पर रूफ टॉप लगा दिया जाएगा। तो अभी एक साइड का तो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुका है, दूसरी साइड का अभी बनाया जाएगा, तो अभी रूफ टॉप का जो स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम चल रहा है। और इस पर 140 सीढ़ियां तो आ चुकी हैं दोस्तों, यानी कि एक्सेलेटर आ चुके हैं जो कि कौन कोच लेवल से है, और ये प्लेटफॉर्म लेवल पर लगाए जाएंगे दोस्तों आम जनता के लिए, चढ़ने उतरने के लिए, जो कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए दोस्तों। और काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम भी चल रहा है दोस्तों। देखो ये तीन लाइन बना दी जा चुकी है, बीच का बायोडक्ट है दोस्तों वो तो है मेन लाइन यानी कि RRTS की लाइन, और जो दो लाइनें हैं दोस्तों वो हैं मेरठ मेट्रो के लिए। तो यही काम चल रहा है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।